महोदय, ऐसा करना न केवल अनुचित और रियो की भावना के विपरीत होगा, बल्कि मूर्खतापूर्ण और अनावश्यक भी होगा। अतः हमें अपनी संस्थाओं, अपनी प्राथमिकताओं की और गंभीरता से देखना होगा और यह विचार करना होगा कि इसमें ऐसा क्या सुधार किया जाए कि पर्यावरणीय नीतियां आम आदमी के अनुकूल हो, हमारे सम्मुख उपस्थित पर्यावरणीय बाध्यताओं का मानव की विकास संबंधी आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम पृथ्वी की सुरक्षा की आशा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने इसे प्राप्त करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया था, जैसा कि इसने कार्यसूची 21 के अंतर्गत प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की थी। पर्यावरण और विकास जैसे व्यापक विषय को देखने वाली संधि की समय और क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आज जिस क्षेत्र का अधिक महत्व है, कुछ वर्षों में वह किसी दूसरे क्षेत्र का हो सकता है। जो बात एक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, दूसरे क्षेत्र के लिए वही गौण हो सकती है। लेकिन आपसी क्षेत्रीय मामलों का हम सब पर समान प्रभाव पड़ता है और इनके स्वरूप या आकार में कुछ ही वर्षों में किसी तरह के परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है। आपसी क्षेत्रीय मामलों में ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यधिक सफल, अत्यधिक प्रभावी और शायद कम से कम विवादास्पद हो सकता है। पैरा, इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि सतत विकास आयोग की मूल रूप से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिक हस्तांतरण के लिए तौर तरीकों, क्षमता का विकास, व्यापार असंतुलन को दूर करने जहां आवश्यक हो वहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को फिर से सक्रिय बनाने और इसी तरह से आपसी क्षेत्रीय मामलों पर ध्यान देना चाहिए। जिन क्षेत्रीय मामलों के कार्यक्रमों के माध्यम से रियो सम्मेलन के निर्णयों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाएगा, उनको इन आपसी क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में देखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश स्वच्छ पेयजल से संबंधित अपने कार्यक्रमों को अपने साधनों से और दूसरों की सहायता से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, तो उसे अपेक्षित बाहरी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। यह सहायता वित्तीय संसाधनों या प्रौद्योगिकी या क्षमताओं के विकास, मानव संसाधनों तथा संस्थाओं के रूप में हो सकती है। आयोग किसी देश की आंतरिक प्राथमिकताओं का निर्धारण न करे। पैरा, महोदय, अर्थशास्त्रियों द्वारा पिछले काफ़ी समय से देश की निरंतर बढ़ती जा रही घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की जाती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों की भांति विभिन्न राजनीतिक कारणों से इस स्थिति पर लीपापोती करती चली आ रही थी।
अब जब सरकार को यह चिंताजनक स्थिति सभी सीमाओं को पार करती हुई दिखाई देने लगी तो उसे व्यवस्था में इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अलोकप्रिय कदम उठाने पड़े हैं। बजटीय घाटे को अगले वर्ष कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संकेत देते हुए वित्त मंत्री ने गत 23 जनवरी को आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा था कि इस बार हमने एक कड़ा बजट तैयार किया है क्योंकि उदारता अपना कर वर्तमान वित्तीय संकट पर काबू नहीं पाया जा सकता। पैरा राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अपनी बैठक में भी वित्त मंत्री ने इसी प्रकार का संकेत दिया था। इन मुख्यमंत्रियों का कहना था कि उन्हें भी अपने अपने राज्यों में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग व्यापार चैम्बर के नेताओं के साथ अपनी हुई बैठकों में भी वित्त मंत्री प्राय देश की कठिन आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते रहे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यही अनुभव हो रहा था कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा जिन्हें वह अभी तक उठाने में हिचकिचाती रही है। इस स्थिति में सरकार के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो वह करों में वृद्धि करती या फिर वर्तमान में दी जा रही विभिन्न रियायतों या आर्थिक सहायता में कमी करती। पैरा जहां तक कर बढ़ाने का प्रश्न है तो अब इनमें वृद्धि की संभावना कम ही दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने करों से आय बढ़ाने तथा कर चोरी को रोकने के लिए व्यक्तिगत आयकर व कंपनी करों में कमी की है। सरकार ने काले धन को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पहले स्वैच्छिक आय घोषणा योजना शुरू की थी जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए की आय हुई। विभिन्न विवादों में फंसे बकाया करों की वसूली के लिए समाधान योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत सरकार को देश भर में अब तक 51,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इससे पर्याप्त कर प्राप्त होने की आशा है। कच्चे माल तथा अन्य अनेक सामग्रियों पर आयात शुल्क में काफी कमी की है। पूर्ण विराम। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।